हमारे वीडियो मसीहों के लिए बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की इन शिक्षाओं से ठेस पहुँचती हो तो कृपया हमारे वीडियो को ना देखें। धन्यवाद। अब हम लोग निकालेंगे गिनती अध्याय 16। अपन पढ़ो गणना अध्याय 16, नंबर्स चैप्टर 16, गणना अध्याय 16 और उसका 36 से 9000 से 36% 36% नंबर्स चैप्टर 16, गणना अध्याय 16 उसका 36 से 36%। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक के पुत्र एलीआजर से कह कि उन दो दानों को आग से उठा ले और या आग के अंगारों को उधर ही चित्रा ले, क्योंकि वे पवित्र है। जिन्होंने पाप करके अपने ही प्राणों की हानि की है, उनके दो दानों के पत्थर पीट पीट कर बनाए जाए, जिससे वह वेदी के मरने के काम आए, क्योंकि उन्होंने यहोवा के सामने रखा था, इससे वे पवित्र हैं। इस प्रकार वो इसराइलियों के लिए एक निशान ठहरेगा। इसलिए एलीआजर याजक ने उन पीतल के धूपदानों को, जिनमें उन जले हुए मनुष्य ने धूप जलाया था, लेकर उनके पत्थर पीट कर वेदी के मरने के लिए बनवा दिए और इसराइलियों को यह बात स्मरण रहे कि कोई दूसरा जो हारून के वंश का न हो यहोवा के सामने धूप चढ़ाने के समीप न जाए, ऐसा न हो कि वो कोरोन और उसकी मंडली के सामने नष्ट हो जाए, जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा आज्ञा दी थी। और देव मोशेला म्हणाला, अहरून याजकाचा पुत्र एलाझर याला अग्निमधून सर्व धूपाठी ओढून घेण्यास सांगावे, कारण ते पवित्र असून देवाला समर्पित केलेले आहे। त्याचप्रमाणे त्याने तो जळका धूपही विधवी करून टाकावा। ज्या लोकांनी आपल्या जे धोक्यात घालून पाप केले होते त्या लोकांचे धुपटण्यातील हा धूप विकून टाकावा। नंतर वेदीला आच्छादन म्हणून त्या धुपटण्याचे रुंद पत्रे तयार करावे, कारण ती धुपटणी देवापुढे वापरली असल्यामुळे पवित्र आहे। वेदीवरील हा पत्रा इस्रायल लोकांना या प्रसंगाची आठवण म्हणून राहील। त्याप्रमाणे एलाझर याजकाने ती 250 पितळीची धुपटणी घेतली आणि ती टोकून वेदीला आच्छादन करण्याकरिता त्याचा पत्र तयार केला। करून आणि त्याचे सोपे यांची जी गत झाली, तसे कोणते अनाधिकृतपणे वेदीपुढे धूप जाळणाऱ्या म्हणजे अहरोनाचा वंशज नसलेल्या व्यक्तींची होऊ नये याची आठवण देण्याकरिता ते वेदीवरील आच्छादन होते। याप्रमाणे देवाने मोशेला दिलेल्या आज्ञा पाळण्यात आल्या। क्या कहा गया कि उन दो दानों को जो कोरह दाता अभिराम के थे उन्हें पीस कर टूट तोड़ कर पीस कर क्या करने को कहा, वेदी के काम करने के लिए बनवाने के लिए बोला। आणि अहरून आणि त्याचा पुत्र जो एलीआजर आहे त्याला सांगितलं की जे काही तो पडणे आहे त्यांना तो पेसून ते वेदीचे कामासाठी तो त्यांना लागला। हा क्यू पिके कोरह अभिराम दातांनी परमेश्वर के दास के साथ बलवा किया था, कारण कोरह आणि अभिराम दातांनी देवाचा दासासोबत बलवा केली ना। परमेश्वर के सामने जो सेवा के लिए जिसे परमेश्वर चुनता है वही जाना चाहिए। आणि देव ज्याला सेवेसाठी निवडतो ते तो देवासमोर सेवेसाठी गेला। कोरह दातान अभिराम और एलिया इनको परमेश्वर ने चुना नहीं था। आणि कोरह दाता अभिराम लोकांना देवाने निवडलेलं नव्हतं, लेकिन फिर भी वो अपनी मर्जी से सेवा करना चाहते, पण तरी त्या लोकांची इच्छा होती की त्यांच्या मर्जीप्रमाणे सेवा करा। और वो मूसा के आधीन नहीं हो रहे थे, आणि ते मूसेच्या आधीनतेमध्ये राहत होते। तो मोसेस बहुत क्रोधित होकर मोसेस ने कहा, मैंने तुम्हारा एक भी गधे के बच्चे की भी कभी लालच नहीं की, ना मैं तुम्हारी किसी वस्तु की हानि की। आणि मोशे त्यांना क्रोधित होऊन म्हणाला की तुमच्या कोणत्याही गाढवाच्या एका मुलाची सुद्धा लालच केलं नाही किंवा तुमच्या कोणत्याही वस्तूची मागणी केली नाही। इसलिए परमेश्वर ने उसके और लोगों के बीच में फरक क्या है ये दिखाने के लिए क्या किया, उसने परमेश्वर से ऐसे उनकी मृत्यु की मांग की जिससे वो सब लोग एकदम अलग, जिससे पृथ्वी फट गई और वो सभी लोग अधोलोक में जिंदा उतरले। आणि त्याच्यामध्ये आणि लोकांमध्ये काय फरक आहे हे दाखवण्यासाठी त्यांनी काय केलं, देवाकडे अशी त्यांच्या मूर्तीची मागणी केली
कि पृथ्वीची होती की काढून पाठली आणि ती लोक जिवंत अधोलोकामध्ये गेली. तीच वचन मी आप पढ़ सकते आणि तिसऱ्या वचनामध्ये तुम्ही वाचू शकते उन्होंने क्या किया था जब परमेश्वर के लोगों का अपमान किया था. कारण त्यांनी काय केलेलं देवाच्या लोकांचा अपमान केले. यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या होता है यहोवा का जब अपमान करते हैं तो लोग अधोलोक में उतरते हैं और जिन लोगों का देवाचा अपमान करता ती लोग अधोलोकामध्ये उतरते और वो भी जिंदा गए ऐसे पर जीवंत गए. इसे हम देखते तो इस रीति से प्रियो उनके परमेश्वर के सामने जो धूप परमेश्वर के लिए चढ़ाया जाता है वो चढ़ाने का काम एलियाजर का है. इसलिए एलियाजर को बताया गया और जब धूप चढ़ाने थे तो देवासमोर तो एलियाजर चढ़ाए उन्होंने एलियाजर ने सामने कर एलियाजर के नाम का अर्थ है मेरा परमेश्वर मेरा मददगार है और एलियाजर या नावाचा अर्थ है माझा देव माझा मददगार आहे. एलियाजर के नाम का दूसरा अर्थ है ये मेरे पिता का परमेश्वर है आणि एलियाजरच्या नावाचा दुसरा अर्थ आहे की हा माझ्या वडिलांचा देव आहे. यहोवा मेरे पिता का परमेश्वर है आणि यहोवा हा माझ्या वडिलांचा देव आहे. इसलिए एलियाजर इस नाम का अर्थ ये दो प्रकार से बताया जाता है आणि एलियाजर या नावाचा अर्थ या दोन प्रकारे सांगण्यात येते. इस रीति से प्रिय हम देखते की परमेश्वर ने एलियाजर की सेवा प्रभावशाली की आणि देवाने एलियाजरची सेवा होती प्रभावशाली की. सारे लोगों के सामने उनको अभिषेक किया आणि सर्व लोकांसमोर त्याचा अभिषेक झाला. पण ही देव व्यवस्था सारी मंडळी के सामने उनको अलग किया गया आणि सर्व लोकांसमोर त्यांना वेगळं करण्यात आलं. अभिषेक किया गया अभिषेक करण्यात आलं. मग देव मोशेला म्हणाला आता अहरण व त्याचे पुत्र यांना निवास मंडपाच्या दाराशी घेऊन ये. जहां मैं रहता हूँ उसे कहते निवास मंडप. वहां पर मैं रहता हूँ वहां पर तू लेकर आ. त्यांच्या सोबत त्यांची वस्त्र उनको जो बनाए गए वस्त्र है उन वस्त्रों को भी लेकर आना. अभिषेक का तेल लाना. पापापणासाठी एक गोधन हाँ उनके पापों को क्षमा मिलने के लिए पाप बलि बछड़ा. दो मेंढे आणि टोकरी पर बेकवली भाकरी घेऊन ये. हाँ रोटी पूरी टोकरी जो है वो अखमीरी रोटी से भरी हुई हो आणि सर्व इस्राएल लोकांना तेथे जमावाय सांग. अब सारे लोगों को वहां इकट्ठा कर. इसलिए ये यहोवा के आज्ञा के अनुसार मोसेस ने वैसे किया. क्यों? ताकि परमेश्वर चाहता था दिखाने के लिए कि सारी कलीसिया में सारे मंडली को कि जिन्हें मैंने चुना है उनको तो भय मानो उनके आधीन रहो. आणि देवाचं सांगितलं मोशेने केलं कारण देवाची इच्छा होती की मी ज्या लोकांना निवडले तुम्ही त्याच्या आधीनतेमध्ये राहा आणि त्यांचं भय माना. शेवटा आणि सांगो वचन मग मोशेने अहरण व त्याचे पुत्र यांना पाण्याने आंघोळ घातली. हा इसलिए पाणी से नारा जरूरी होता इसलिए बप्तिस्मा लेना जरूरी होता आणि म्हणून बप्तिस्मा घेणे फार गरजेचं असते. अहरणास अंगरखा घातला. उसी रीतीचे बायबल कहता है गलतियों की पत्री में जितने जनों ने बप्तिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया. आणि गलतीचा स्तोत्रामध्ये देवाचं वचन म्हणतं की ज्या लोकांनी बप्तिस्मा घेतलेला आहे त्या लोकांनी ख्रिस्ताला बलिदान केलेला आहे. कमर पट्टा कसला. हा कमर पट्टा कमरबंद उसे बांधना और कमर का पट्टा कौन सा है सत्य. बाइबल में लिखा है तो सत्य से कमर कसना. इन याजकों को और आज जो साकली के अंदर बैठने वाले लोगों को काबिली को परमेश्वर कहता है एक आपका बपतिस्मा होना नहीं तुमसे बपतिस्मा ज्यादा मसीह को पहनना क्रिस्ताल बलिदान सत्य से कमर कसना सत्या कमर कर अपनी फैमिली में सत्य से चलना कुटुंबामध्ये सत्याने चालना फिर जगा घातला. हाँ बागा पहना यानी ऊपर से उसने पवित्र आत्मा को पहन लिया. जगावर एफोद घातले. एफोद यानी ऐसे वस्त्र है जिसे वो एक अलग है और वो परमेश्वर के अलग किए गए यानी आपका चाल चलन भी वैसे ही हो. आणि एफोद वरून गोष्टी विधेली बुट्टीदार पट्टी बांधली. हाँ उसे कहते हैं फ्रेम. उसने जो एफोद डाला था उसके ऊपर उसने एकदम बुट्टीदार यानी सजी सजाई हुई एक ऐसी पट्टी लगा दी जिसे वो वस्त्र को अच्छा शोभा दे रहा था. तो उसी रीति से पर आपके चाल चलन में भी सबसे पहले परमेश्वर का वचन क्या कहता है तुम एक दूसरे के प्रति प्रेम धारण करो. आणि तुमच्या चाल चलन के मध्ये सुद्धा देव तुम्हाला काय म्हणतं सर्वप्रथम तुम्ही एकमेकांशी प्रेमाने राहा. नंतर त्यांनी अहरणाला ओरसदान घातले. हा उसको एक ऐसा ऊपर का वस्त्र पहनाया मग त्यात ओरी मग तुम्ही ठेवले. हा एक ऐसे दो रत्न लगाए जो यहाँ पर और यहाँ पर रखे रहे जो चमकते हैं जिसे याजक को अगर वो चमकने लगे तो मार्गदर्शन करता है वो ओरी मग तुम्ही उन लेवी याजकों को दिया गया रहता है. आज
याजकों को जुना करार और नया करार, आणि असे अनेक लोकांना जुना करार आणि नवीन करार हे हमारा ओडी मो तुम्ही जो हमें मार्गदर्शन करता आणि हे आहे आपले ओडी मो तुम्ही जे आपल्याला मार्गदर्शन करता जो आपको प्रतिदिन पढ़ना है कुछ भी प्रश्न है इसमें पूछना है करू नहीं करू इसमें ही पूछना है आणि तुम्हाला काय प्रश्न आहे मी हे करावं किंवा नाही करावं तुम्हाला याच्यामध्येच विचारायचं आहे मग देवाच्या आज्ञेनुसार तयार केलेला एक पेटा त्याच्या मस्तकावर ठेवण्यात आला हाँ उसके सिर पर एक ऐसी पट्टी लगाई गई जिसपे लिखा है यहोवा के लिए ये पवित्र है आणि त्यांच्या डोक्यावरती असा एक पट्टी लावण्यात आली की त्याच्यावरती लिहिण्यात आले की हे लोक देवासाठी पवित्र आहे आणि करारानुसार आत्मिक वचन के अनुसार उसे कहते हैं मसीह का मन आणि आधुनिक रीतीने जर आपण पाहिलं तर त्याला म्हणतात ख्रिस्ताचं मन त्या पेट्याच्या पुढील भागी सोन्याची एक पट्टी होती मग मोशे अभिषेकाचे तेल घेऊन निवास मंडप व त्याचे सर्व उपकरणांवर ते शिंपडले व ती पवित्र केली यानी जितने जो सामग्री थी उन सब पर क्या किया वो तेल को छिड़का और अगर आप आगे पढ़ते जाओगे तो हारून के चारों बच्चों को अभिषेक किया जिसमें एलियाजर अभिषिक्त हुआ एलियाजर से पिनहास अभिषिक्त हुआ और आगे और बाइबल कहते हैं मेरे अभिषिक्तों की हानि मेरे अभिषिक्तों को मत उनकी बुराई कोई भी नहीं कर सकता है परमेश्वर के जो अभिषिक्त होते हैं देवाचे जे अभिषिक्त असतात उनकी कभी परमेश्वर बुराई होने नहीं देते आणि त्यांची देव कधी बुराई होऊ देत नाही तो आज जो चेन में बैठने वाले हैं आणि आज जे तुम्ही साखळीमध्ये बसणार आहात परमेश्वर आज आपसे यही कहता है आम्ही अभिषिक्त आणि देव तुम्हाला म्हणतो की आजपासून तुम्ही अभिषेक केला वंश हमेशा परमेश्वर की सेवा केली रहेगा आणि तुमचं जे वंश आहे तो नेहमी देवाच्या सेवेसाठी आपला घर बना रहेगा तुमचं घर बनून राहील याजकों के समान सेवा करते रहना आणि याजकांसारखं सेवा करत राहा अभिषेक की नाही एक अभिषेक व्यक्ती कैसा जीता है आणि एक अभिषेक व्यक्ती कसं जीवन जगतो परमेश्वर के लिए आणि देवासाठी वैसे ही परमेश्वर के लिए जीना तसं देवासाठी जगणं अभिषिक्त व्यक्ति को परमेश्वर क्या करता है कभी कुछ बुरा होने नहीं देता है आणि अभिषिक्त व्यक्ति से देव कभी कभी वाइट होते हैं परमेश्वर आज बैठोगे आप कभी परमेश्वर कभी बुरा होने नहीं देता आणि जीव आज सोचो सुद्धा काही वाइट होऊ देणार नाही किसी को छूने नहीं देता आणि कोणाला स्पर्श करू देणार नाही अभिषिक्तों को न छूना ऐसा बाइबल में लिखा है आणि माझ्या अभिषेकाला स्पर्श करू नको असं बाइबल आपल्याला सांगतो कोण छूता है हमें आणि कोण आपल्याला स्पर्श करतो शैतान छूना चाहता है आणि शैतानाची इच्छा आहे आपल्याला स्पर्श करावं शून्य नाही पण देव आपल्याला स्पर्श करू देत नाही इसलिए बाइबल में नए करार में भी लिखा है कि तुम्हारी किसी भी वस्तु से हानि न हो आणि बाइबल मध्ये नवीन करारामध्ये लिहिले आहे की कोणत्याही वस्तूने तुझी हानि होणार नाही इस रीतीने स्पष्ट रीतीने येशू मसीहने आमको कहा आशीष दी है आणि या रीतीने येशू मसीहने आपल्याला स्पष्ट रीतीने आशीर्वाद दिलेला आहे इसलिए आज चैन पकडे हुए सभी लोग आणि आज साखळीचे लोक पकडले चैन में बैठे वाले लोग आणि साखळीमध्ये बसणारे लोक येशू तुम्ही अभिषेक घेता देव तुम्हाला अभिषेक म्हणतो लेवी घराणे से कहता लेवी घराण्यातून म्हणतो महायाजक और याजक बोलकर आप में से चुने गए हैं महायाजक आणि याजक म्हणून देवाने तुमच्यामधून निवडलेले आहे ते रहो सेवा करत राहा आगे चलते रहो आणि पुढे चालत राहा बायबल के अनुसार लेवी लोगों को लेवी के बेटियों को वेशावृत्ती गलत कोई काम करना मना है आणि बायबलनुसार जे लेवी लोक आहेत त्यांच्या मुलींना वेशावृत्ती आणि चुकीचं काम करणे करणं मना है आणि विग्रहे चुकीचं अन्य जातियों से विवाह करना मना है आणि अन्य जातीशी विवाह करणे सुद्धा मना आहे लेवी लेवीसही विवाह कर सकता आणि लेवी लोकांनी लेवी लोकांशीच लग्न करायचं आहे तिथे परमेश्वर का ये नियम आया है आणि या रीतीने देवाचा नियम आलेला आहे आज हम आशीष देखेंगे लेवी गोत्र को यानी एलियाजर को क्या आशीष मिला है आणि आपण पाहूया की एलियाजरला काय आशीर्वाद देण्यात आला निकाली जे डिटोनॉमी आपण काढूयात अनुवाद चैप्टर 33 अगले 32 जिस मोसेस के द्वारा हारून को चुना गया आणि ज्या मोसेस द्वारे हारून ने निवड करण्यात आली आपण मानू शकतो परमेश्वर की योजना थी कि मूसा को चुनना है देवाची योजना होती मोशेला निवडणं मोसेस को सब कुछ करता था आणि मोशेला सर्व काही करायचं लेकिन मोसेस की जगह पर मोशेला जागेवरती हारूनला निवडलं क्यों का क्योंकि हाँ मोसेस ने कहा मैं बदला हूँ कारण मोशे ने मतलब कि बदला है मुझे बोलने नहीं आता है अरे मतलब बोले रे इतने मुझे मत चुन नहीं तो मतलब निवड़े ना को इसी कारण से मोसेस के कारण परमेश्वर ने हारून का चुनाव किया अरे मतलब मोशे के कारण हमने देव ने अरुणा जी निवड़े और हारून के कारण उसके बच्चों का अरे अरुणा मेरे तेज मुदान जी क्योंकि कोई दूसरा मोसेस के साथ मिलकर सेवा नहीं करता कारण कौन ही दूसरा मोशे सबक मिलकर सेवा की लेकिन वो उसका बड़ा भाई था पर त्याचा मोठा भाऊ होता इसी कारण से वो अपने छोटे भाई को प्यार बहुत करता म्हणून त्याच्या लहान भावाला खूप प्रेम करायचं मिलकर सेवा की म्हणून मिळून सेवा केली हे परमेश्वर चाहता है आणि हे देव हारून ये जो फॅमिली है हे कुटुंब को परमेश्वर ने क्यों चुना मोसेस के कारण आणि अर्जुन या कुटुंबाला देवाने का निवडलं मोशे इसीलिए परमेश्वर
परमेश्वर ने मोसेस को एक आशीष का कारण बनाया देवाने मोशे एक आशीर्वादा कारण बना परमेश्वर ने मोसेस को कहा तू हाथ उठाकर इन्हें आशीष दे और उन्होंने वो अपने इस पृथ्वी को छोड़कर जाने से पहले इन सारे 12 गोत्रों को आशीष दिया जिसमें लेवी गोत्रों को भी आशीष दिया आणि पृथ्वी का सोडून जाण्यासाठी त्याने काय केलं ज्या 12 जे गोत्र होते त्यांना आशीर्वाद दिला आणि त्याच्यामध्ये लेवी गोत्राला सुद्धा त्याने आशीर्वाद दिला हे लेवी गोत्र को आशीष मिला आखिर में हारून और हारून के बच्चों को ऐसा एक दान मिला कि वो जिसे उसके सामने आने वाले को वो आशीष देगा वो आशीष उन पर ठहरेगा आणि लेवी गोत्राने आशीर्वाद मिळाला आणि त्याच्यानंतर अरुणाने त्याच्या मुलांना या रीतीने दान भेटलं की त्यांच्या समोरचे कोण येतील ते लोकांना ते लोक आशीर्वादित करू शकतात हारून और हारून के बच्चे क्या करते थे इसराइलियों को आशीष देते अरुण आणि अरुणाचे मुलं काय करायचे इस्रायली लोकांना आशीर्वाद द्यायचे अरुण क्यों क्योंकि सारी कलीसिया के सामने सारी मंडली के सामने उन्हें अभिषेक किया था कारण सर्व मंडली सब त्यांचा अभिषेक झालेला इसलिए उनको वो अथॉरिटी मिली थी वो पावर मिला था कि वो बोलेंगे तेरा वो आप आशीष बाद में देते कि वो जो मुझसे आशीष देंगे वो उन पर बनेगा त्यांना ते अधिकार भेटले त्यांना ते सामर्थ्य भेटले की ती लोक जे काही मुखातून बोलते ते होईल तो हम पहले देखेंगे मोसेस के द्वारा जो परमेश्वर का चुना हुआ एक लीडर एक स्ट्रॉन्ग फेथफुल और बहुत हम्बल लीडर के द्वारा क्या आशीष मिला आणि आपण बघूया की मोशे जो एकदम नम्र आणि देवाचा निवडलेला पात्र होता त्याच्याद्वारे काय आशीर्वाद देण्यात आले हम पढ़ेंगे अपन वाचून आहे बस का विवरण अध्याय 33 अनुवाद अध्याय 33 उसका आणि त्याचा 8 पासून मग मोशे लेवी वंशाबद्दल म्हणाला हां लेवी के विषय में आशीष दे रहा है तो जे उरीम व तुमीम लेव्यांना देवाचे मग 33 का पहिला 1 पडलेला आणि 33 चा पहिला आपण 1 वाचूया देवाचा माणूस मोशे किसका इंसान आणि कोणाचा व्यक्ती देवाचा परमेश्वराचा तो माणूस आहे अरे प्रभू का होय मनुष्य आशीर्वाद देणारा कोण असला पाहिजे देवाचा माणूस अरे जो आशीष देते वो किसका मनुष्य देण्याचे प्रभू का तर त्याचा आशीर्वाद लागतो तभी उसका आशीष लगेगा मोसेस आजही जिवंत आहे अरे मोर मूसा जो है वो आज भी जीवित है म्हणून त्याचे शब्द आजही खरे होतात अरे उसके जो शब्द है वो आज भी सच हो जाते हैं याने आपले मरणापूर्वी इस्रायली लोकांना जे आशीर्वाद जाहीर केले ते हे मग मोशे लेवी वंशाबद्दल म्हणाला आता तुम्ही सर्व लेवी गोत्रातले लेवी वंशाचे आहात तुम्हाला देव म्हणतो तो जे उरीम व तुम्ही लेव्यांना देवाचे मनोगत व्यक्त करतात हा तुम्हारे पास जो परमेश्वर ने उरीम व तुम्ही दिया है वो परमेश्वर को प्रकट करते तुम्हारे द्वारा परमेश्वर दिखाई देता है तुम्हारे द्वारा दूसरे लोग परमेश्वर के पास लिए जाते हैं तुम्हारा जे उरीम आणि तुम्ही देण्यात आले त्याच्याद्वारे तुम्ही देवाला प्रकट करता आणि तुमच्याद्वारे लोक देवाकडे येतात आज पण तुमच्याद्वारे तुम्ही जेव्हा जेव्हा बायबलचा वापर कराल जेव्हा जेव्हा तुम्ही देवाच्या वचनाचा वापर करून लोकांसाठी बोलाल तर तुम्ही देवाला त्यांच्याकडे नेता आणि जब जब आप लोग वचन का इस्तेमाल करके लोगों को बोलोगे तब आप लोग क्या करोगे कि प्रभु को उनके पास लेकर आ जाए पहला आशीर्वाद है आज जो तुम्हारा देव देतो हा पहला किती वर्ष पूर्वी दिला और कितने सालों के पहले दिया था और आज 11वें दिन में आप लोग आए आणि 11वें दिवशी आज तुम्ही लोग आले आहात तुम्ही आए हुए सभी को और चैन में बैठने वाले हर एक कुटुंब को आणि साठे मध्ये बसले आहे तुम्ही सर्व लोकांना आज परमेश्वर का जुना करार और नया करार के द्वारा वचन के द्वारा उन लोगों को आप परमेश्वर के समीप लाओगे परमेश्वर को उनके समीप लाओगे आणि तुम्ही जुन्या करार वाले आणि नवीन करार वाले देवाला त्यांचे समीप घेऊन जाल आणि तुम्ही त्यांना देवाचे समीप घेऊन जाल तो मसा येथे लेवीची परीक्षा घेतेस आणि मरियमच्या जऱ्याजवळ तो त्यांच्याशी झुंजलास जो लोक लेवी गोत्र से परीक्षा लेते हैं जो लोग लेवियों से झुंझ करते लड़ते हैं झगड़ते हैं वाद विवाद करते हैं आपले आई वडील भाऊ किंवा मुले वाले यांच्यापेक्षा त्यांनी तुझ्यावर अधिक निष्ठा दाखवली हाँ लेकिन परमेश्वर कहता है लेकिन फिर भी उनके जीवन में कितने भी संकट आए आपके जीवन में देवियों के जीवन में कितने भी संकट आए लेकिन उसे न डर कर उन्होंने अपने माता पिता को नहीं जाना त्यांनी तुझ्या आज्ञांचे पालन केले उन्होंने तेरी आज्ञाओं का पालन किया आणि तुझ्या कराराशी ते प्रामाणिक राहिले वो तेरे वचन के साथ जो करार किया कि प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा प्रभु मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा प्रभु तेरा हाथ पकड़ कर ही चलूंगा कोई भी परिस्थिति उसमें तेरे संग रहूंगा उसके अनुसार वो चले आणि देव मी तुला कधी सोडणार नाही कोणती परिस्थिती असेल तरी मी तुझा हात पकडून चालेल त्या प्रमाणे लोक चालले लेवी इस्रायल लोकांना देवाचे नियम शिकवते हाँ लेवी लोग आप लोग क्या करोगे लोगों को परमेश्वर का नियम शिकाओगे ऐसा नहीं करना येशु
वचन असं सांगतं हे नाही करायचं याचा इस रीतीचे आप लोगों को सिखाओगे आणि तुम्ही देवासमोरच्या लोकांना शिकवाल आणि तुमच्या वेदी पुढे आणि होमर पाण्याच्या वेदी पुढे काम करतील हा आप हमेशा परमेश्वर को खुश करने वाला धूप देना याने परमेश्वर को खुश करने वाले दूसरा हाँ आणि धूप चढ़ाने मुझे देवाला प्रसन्न करणारे वेदी पर याने परमेश्वर जो चाहता है आप जहाँ परमेश्वर को गिफ्ट देना है उसकी सेवा करना है वहां पर उस वेदी पर आप क्या करोगे आप होम बलि चढ़ाओगे याने आप अर्पण लाया करोगे आणि जिथे देवाला दान द्यायचा आहे जिथे देवाला गिफ्ट द्यायचे आहे तुम्ही लोक काय करा तिथे देवाला अर्पण आणाल हे देवा लेव्यांची भरभराट कर तुम्हारी क्या होगी भरभराट होगी आणि तुमचे काय होईल भरभराट होईल तुम लोक कम नाही हो आणि तुम्ही लोक कमी नसणार लोक वाढ जाओ तुम्ही लोक वाढणार आणि तुझ्यासाठी ते जे काम बचोमे नाही भरभराट सिर्फ बचोमे नाही आणि फक्त मुलांमध्ये नाही भरभराट तो क्या होती फायनान्शियली भी तो होती है आणि भरभराट ही आर्थिक रीतीने सुद्धा परमेश्वर सब बातों में तुम्हें होतायत करेगा आणि ते तुम्हाला त्या सर्व गोष्टींमध्ये खूप अटीने वाढ होईल आणि हिंदी पैसाने काय हे योवा उसकी संपत्ति पर आशीष देने तुम्हारे धन पे भी परमेश्वर तुम्हारे पास जो कुछ है उसमें आशीष देकर बढ़ाएगा आणि तुमच्या धनामध्ये आणि तुमच्या कुकडे जे काय आहे त्याच्यामध्ये आशीर्वाद देऊन तुम्हाला वाढवेल आणि तुझ्यासाठी ते जे काम करतात त्याचा स्वीकार कर आज जो कुछ काम करते हो परमेश्वर उसे स्वीकार करेगा आणि तुम्ही लोक जे काही देवासाठी काम करता देव त्याचा स्वीकार करेल जे त्यांचे शत्रू आहे हा जो तुम्हाला परीक्षा देते आणि जे लोक तुमची परीक्षा देतात वादविवाद करते वादविवाद करतात आर्ग्युमेंट करते वादविवाद करतात सताते खूप सतवतात बोलो ते लोक त्यांना चिरडुलतात क्या होईल आणि ते लोक काय होतील चिरडले जाते क्या होईल इसे जाएंगे हमारे हिंदी में लिखा है कि बेरियों की कमर पर ऐसा मार कि वो बाद में उठ ना सके वो खड़े नहीं रह पाए आंटी को ना उठना नहीं इस रीति से परमेश्वर कहता है लेवियों को मोसेस के द्वारा उनको आशीष मिला है अन्य यानी कि मोशे तो वैसे आज लेवी लोग का ना आशीर्वाद कोई आशीष आप पर दिए नहीं तो उस आशीर्वाद आज तुम्हारे लिए ग्यारह में दिन को परमेश्वर ने लेवी वंश को चुना और गड़बड़ी न हो शांति करने वाले लेवी यानी शांति करने वाले अरे लेवी मुझे शांति देना है इसलिए आपके घर में भी सदा शांति रहेगी और आप दूसरों के घरों में भी शांति का कारण बनोगे तुम्हारे घर में सदा शांति असेल तुम्ही दुसऱ्यांचे करण्यासाठी सुद्धा शांतीचं कारण बनणार आपको प्रभु ने ऐसा आशीष दिया है आणि देवाने तुम्हाला असा आशीर्वाद दिलेला आहे आप दूसरों को आशीष दो तो तुम्ही दुसऱ्यांना आशीर्वाद द्या किती अध्याय गणना अध्याय 6 और उसका 22 है 22 वचन गिनती अध्याय 6 गणना अध्याय 6 उसका 22 है 22 वचन आता देव मोशेला म्हणाला अरुण आणि त्याचे पुत्र यांना सांगावे की त्यांनी इस्रायल लोकांस पुढील विशेष आशीर्वाद द्यावा हा इन वचनों को रखकर हारून एलियाजर और उसका इतमान ये लोग क्या करते थे आशीष देते थे आज वही फैमिली की नई परमेश्वर ने आपको चुना है आपके घर का हर पुरुष एलियाजर के जैसा परमेश्वर की सेवा के लिए रहेगा आणि तुमच्या जो घरात पुरुष आहे तो प्रत्येक पुरुष एलियाजर सारखा सेवेसाठी पुढे असेल आज आज चेन में कोण बैठने वाला है आणि आज आपल्यामध्ये कोण कोण बसणार आहे पहिला शांता धोत्रे फॅमिली बिल्डिंग पहिले शांता धोत्रे उसके घर का जो पुरुष है संजय धोत्रे आणि त्याच्या घरातला जो पुरुष आहे संजय धोत्रे गणेश धोत्रे गणेश धोत्रे और करण धोत्रे आणि करण धोत्रे करण धोत्रे तिनो भी कैसे रहेंगे एलियाजर के जैसे आणि तिघ पण कसे असेल एलियाजर परमेश्वर उनके जैसा चरित्र उनमें बनाए आणि त्यांच्यासारखं चरित्र यांचं सुद्धा याजक के जैसे परमेश्वर की सेवा के लिए रहे आणि याजकासारखं देवाची सेवेसाठी असते दुसरे प्रभाकर साळवे आणि प्रभाकर साळवे डॉक्टर फॅमिली जिथे आणि जॉन आहे आणि जॉन दादा सनी आहे आणि सनी आहे आणि सनी दादा आहे हा और देवदास आणि देवदास दादा आहे आणि जॉयल आहे ना पुरुष आहे ना ये कैसे हो जाएंगे ये कसे होतील के समान परमेश्वर पर विश्वास रखने वाला परमेश्वर को बहुत प्यार करने वाला और लोगों को परमेश्वर के बारे में सिखाने एलियाजर सारखी देवाला प्रेम करणारे देवाला विश्वास ठेवणारे आणि एलियाजर सारखी लोकांना शिकवणारे प्रतिभा मार्गीचं झाले नंतर शारदा बोर्डे तर शारदा बोर्डे कुटुंबातला आहे आपला प्रथमेश
आणि प्रथमेश दादा नंतर आपले दिगंबर भाऊ आणि दिगंबर काका आणि त्यांचा जावई संदीप आर्या आणि संदीप दादा नंतर शालू आणि शालू आणि देवी आणि देवी अजून ते एवढे जण ते कसे असले एलियाजर सारखे महायाजक म्हणून देवाच्या सेवेसाठी देवाला आपलं जीवन चढवणारे देवासाठी जगणारे लोक एलियाजर तिथे सेवा करण्यावर प्रभू आपलं जीवन देईल आणि जर ह्याच्यातला कोणताही एखादा पुरुष हरिणीचा कोणी बी पुरुष आता देवाचं बही नाही मानत प्रभू का बही नाही मानता किंवा देवाजवळ येत नाही विश्वास आता नाहीवर विश्वास नाही राहत आजपासून संजय धोत्रे नाही नंतर आपला प्रथमेश नाही आला प्रथमेश दादा नाही आहे ना तर आणि कोणाचं नाही आले दिगंबर भाऊ पण नाही आहे दिगंबर दादा नाही आहे पण देव त्यांना तसं करेल एलियाजर सारखा लेकिन प्रभू उनको करेगा एलियाजर की त्याच्यानंतर मंगेश पवार फॅमिली बसेल आणि उसके बाद मंगेश पवार केवळ कुटुंब भेटी ना प्रभूच्या दयेने ते सुद्धा एलियाजर सारखं प्रभावी सेवा प्रभूसाठी करतात प्रभू की एलियाजर की नाही प्रभू की प्रभावी सेवा करेगी त्याच्यानंतर बसतील अपर्णताई आणि त्यांचा मुलगा दिनेश आणि उनके बाद अपर्णा काकी भेटेगी आणि दिनेश दादा भेटेल मराठी बोलते अच्छा अपना ताई बैठेगी और दिनेश भाई बैठेंगे अपना तो दिनेश के अंदर भी एलियाजर के जैसा सेवा करने वाला प्रभु के लिए खड़ा रहने वाला ऐसा आगे रहने वाला बना दिनेश दादा सुधा असं बने की एलियाजर सारखी सेवा करना देवासा पोटे असणारा बने कुटुंब किसका है पुरुष का आणि कुटुंब कोणाचा आहे पुरुषाचा इसलिए हम शारदा बोर्डे बोलतो प्रार्थना नाही करेंगे म्हणून आपण शारदा बोर्डे म्हणून प्रार्थना नाही करत आपण गायकवाड बोलतो प्रार्थना नाही करेंगे आणि आपण गायकवाड म्हणून प्रार्थना नाही करत प्रथमेश बोर्डे आणि प्रथमेश बोर्डे दुसरा आहे दिनेश गायकवाड आणि दिनेश गायकवाड क्यों क्योंकि फॅमिली किसी की है कारण कुटुंब कोणाचं आहे पुरुषाचं शारदा बोर्डे विधवा आहे आपण तरी विधवा आहे आणि ते दोघे सुद्धा विधवा आहेत किसी कारण से उनका पती परमेश्वर आहे आणि त्यांचा जन्म आहे तो देव आहे लेकिन उनको भी पृथ्वीवर उनको बेटा दिया पण देवाने आता पृथ्वीवर त्यांना मूल दिलेला आहे बेटे का काम आहे उनको सांभाळणे त्या मुलांचा काम आहे त्यांना सांभाळणे त्या देखभाल करणे त्यांची काळजी घेणे उनको रक्षा करणे त्यांची रक्षा करणे हा उनको सब कुछ देना आणि त्यांचा हक्क त्यांना देणं आणि सर्व काही देणं हे उनका काम आणि हे त्यांचं काम आहे बेटा बाप अपने बेटे को हमेशा बोलता है माँ को कभी नहीं छोड़ना आणि बाप त्याच्या मुलाला नेहमी सांगत असतो की तुझे आईला कधी सोडू नको भाई नाही राहत तो भी तू क्या करना तेरी माँ को संभाल लेना आणि मी नसलो तरी तू तुझे आईचा सांभाळ कर हमेशा कोई भी पिता यही कहेगा मेरे हस्बंड भी यही बोले थे जोशुआ को देख जोशुआ अगर मैं नहीं रहा तेरी माँ को छोड़ना नहीं आणि अंकल सुद्धा जोशुआला म्हणले की मी जर नसलो तर तू तुझ्या आईला सोडू नको तू सोचेगा अभी ये सब मेरा है तू निकलच्या माँ को तो याद रख मैं ऐसा लिख के रख रहा है कि तेरी माँ इधर मरते दम तक रहे आणि मी असं लिहून ठेवलेलं आहे की तुझी आई शेवटच्या श्वासापर्यंत इथेच असते देखो अभी उनको उन्होंने ऐसा क्यों किया क्योंकि आपको तो मालूम है ना उनका बाईपास था इसी कारण से उनको ऐसा थोड़ा सा लगा था कि शायद ऐसा तो हमने बोला था ऐसा कुछ नहीं होगा तुम ऐसा कुछ मत बोलो छोड़ दो कुछ नहीं होगा प्रभु तुमको अच्छा ऑपरेशन तुम्हारा करेगा आणि आम्ही त्यांना सांगते तुम्ही असं काही बोलला तर कारण ते तुमचं चांगल्या रीतीने ऑपरेशन करेल तो नॅचरली हा स्वतःला एक पैसा पुरुष को लगता है शायद मी नाही रहा तो मेरी बीवी का क्या होगा आणि प्रत्येक पुरुषाला असं वाटतं की मी जर नसलो तर माझ्या बायकोचं काय होईल है ना तो इसलिए लेकिन देखो जो पुरुष परमेश्वर का भय मानता है वो अपनी पत्नी का भी ख्याल करता है वो सोचता है मेरे बाद इसका क्या होगा आणि जो पुरुष देवाचा भय मानतो तो विचार करतो की माझ्यानंतर माझ्या बायकोचं काय होईल तो इसलिए उन्होंने जोशुआ को कहा था अभी जोशुआ तो छोटा है मैं बोला हिंदू मुझे ही इसको देखना पड़ेगा ये मुझे कहा संभालेगा आणि मी म्हटलेलं की यालाच मला बघावं लागेल आम्हाला कुठे सांभाळेल कवी कवी छोटा ना जोशुआ तो हमेशा म्हणजे बोलते जोशुआ को साथ में ले आणि जोशुआ जेव्हा छोटा होता तेव्हा मला बोलायचे की जोशुआ सोबत घे ना म्हणायचे आओ अजया मुझे उसे संभालना पड़ता है वो कहा मुझे संभालेगा आणि मी त्यांना म्हणायचे की मला त्याला सांभाळावं लागतं तो मला कुठे सांभाळेल म्हणून म्हणायचे दे दे कोई बात नाही एक पुरुष साथ में रहता है तो फरक पड़ता है आणि एक पुरुष सोबत असेल तर एक फरक पडतो मतलब सच बात हम छोटा बालक भी सोचते हैं लेकिन एक पुरुष का स्थान हो उसको आणि एक लहान बालक जरी असेल तरी पुरुषाचं स्थान असलं तरी आगे जाते कोणी पुरुष बनणे बाला कारण पुढे जाऊन तो पुरुष बनणार आहे इसीलिए प्रथमेश बोर्डे शारदाई के स्थान पर इसलिए हम शारदाई को फॅमिली नाही बोलेंगे प्रथमेश बोर्डे लागेल म्हणून आपण शारदा काकीचं कुटुंब बोलणार नाही तर प्रथमेश दादाचं कुटुंब बोलणार उसका नाम लेंगे वो यहाँ आएगा आणि आपण त्याचं नाव घेऊ तो इथे येईल है ना
वो यही पर टिका रहेगा। नहीं तो इसे सिकुड़ रहा है क्योंकि अभी तक हमने फैमिलीज में जैसे प्रेयर किए वो आएंगे और इधर टिकेंगे, वो इधर छोड़ते नहीं रहेंगे। आणि आपण ज्या ज्या कुटुंबांसाठी प्रार्थना केली ती लोक इथे येतील आणि ते लोक पुन्हा कधी सोडून जाणार वैसे ही दिनेश गायकवाड आणि तसं दिनेश दादा सुद्धा आपण गायकवाड फॅमिली नाही बोलेंगे क्योंकि फॅमिली स्त्री से नहीं पुरुष की कही जाए। आणि आपण अपर्णा काकीचं कुटुंब बोलणार नाही कारण जे कुटुंब असतं ते स्त्रियांपासून आहे परंतु पुरुषांपासून असतं दिनेश गायकवाड फॅमिली बोलेल म्हणून आपण दिनेश दादाचं कुटुंब बोलले ना। फिर जॉयल तो नहीं आणि नंतर जॉयल आहे तो जॉयल फॅमिली आहे बोलू आणि जॉयलचं कुटुंब आपण बोलू। परमेश्वर को क्या कठीण है आणि देवाला काय कठीण आहे कुछ कठीण है आणि काय कठीण आहे कुछ ना कठीण है कुछ ना कठीण है तेरे लिए कुछ ना कठीण कुछ ना कठीण कुछ ना कठीण है कुछ ना कठीण है तेरे लिए कुछ ना कठीण। प्रभु सब कुछ कर सकता है ना आणि देव सर्व काही करू शकतो जॉयल के द्वारा मेरे ऐसा हो सकता है आणि जॉयल द्वारे काही चमत्कार और जॉयल की फैमिली बनेगी आणि जॉयल तो कुटुंब बनेगी है ना। जॉयल को क्या तकलीफ है आणि जॉयल ना काही दास आहे का दादा दादी है आणि आजी आजोबा आहे और मामा मम्मी है आणि मामा मम्मी आहे माँ आहे आई आहे जो कमी है वो प्रभु भर दे आणि काही उमेद आहे ते कोणी नाही ना प्रभु के लिए कोई बात कठिन नहीं आणि देवासाठी कोणती गोष्ट असू शकते। आज पिछली बैठने वाले कोण बैठ रहे कुटुंब कारण आज मधी जे बसणार आहे ते कोण बसणार आहे बनाने वाला कोण है बनवणार कोण आहे परमेश्वर आणि देव तो कुटुंब किसका है आणि कुटुंब कोणाचं आहे देवा बनाएगा कोण आणि परमेश्वर कठिन है परमेश्वर को कुटुंब बनाना आणि काही असं काय आहे देवा कुटुंब बनवणं नाही ना परमेश्वर बनाएगा आणि देव बनते तो जॉयल का भी फॅमिली बनाएगा आणि जॉयलचं सुद्धा कुटुंब बनते है ना। बड़ा होएगा तो वो वाइफ हो जाएगी उसकी वो फैमिली बनेगी अरे मोटा तो लगा कैसे वाइफ के लिए तो फोटो बने कौन सा लगा आपको नहीं है ना। तो परमेश्वर के लिए कोई बात करनी नहीं रही अरे देवा से कौन सी कोई तरह से आज परमेश्वर हमसे ये कहता है कि परमेश्वर क्या करेगा परमेश्वर आपका घर बनाएगा अरे देव तुमसे घर बने और आपको एक ऐसा साधन बना रहा है कि आप दूसरों को आशीष दो अरे देव तुम्हारे एक ऐसा साधन बनते कि तुम ही लोगों का आशीर्वाद देते हैं कसम देव तुम्हें आशीर्वाद दे आपके मुँह से जब किसी को निकलेगा ना परमेश्वर तुझे आशीष दे कोई भी आशीषित हो आणि जेव्हा तुमच्या मुखातून निघेल की देव तुला आशीर्वादित करेल तेव्हा तो एक आशीर्वादित होईल मग तुझे संरक्षण करू परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करेल जब तुम्हारे मुंह से फिजिकली भी निकलेगा देव तुझं संरक्षण करू सुरक्षित से जाना प्रभु तेरे साथ है वो व्यक्ती सुरक्षित हो जाईल आणि जेव्हा तुम्ही बोलाल की देव तुझे सोबत आहे सुरक्षित तेरे साथ तेव्हा तो व्यक्ती सुरक्षित होईल देव आपला मुख प्रकाश तुझ्यावरती काढू जब आपके आपकी कोई अंधकार में बैठे या कोई भी व्यक्ति तब आप बोलो कि प्रभु इसकी इच्छा जरूर पूरी कर दे आपके मुंह से इसी वैसा बोल भी दिया ना वो व्यक्ति की जरूरत पूरी हो जाएगी। आणि कोणत्या व्यक्तीचे काही गरज आहे तुम्ही लोक बोलत की देवा याची सर्व उमेद तो पूर्ण कर दे वो काय गरज त्याची सर्व गरज पूर्ण कर दे आम्ही तुझ्यावर कृपा करू परमेश्वर की कृपा तुझ्यावर बनी रहे आपके मुंह से जब आप किसी को बोलते हो क्रोधित होगा आणि जर देव रागवलेला असेल तर देव शांत होईल खुशी अशी नजर सुरू होईल आणि देव चांगल्या नजरेने त्याला बघेल आणि तुला शांती देऊ परमेश्वर जेव्हा बोलू घे ना तुम्ही शांती मिळेल आणि जेव्हा तुम्ही लोक बोलले तुम्हाला शांती असं सचमुच शांती मिळेल आणि देव त्या व्यक्तीला भरपूर शांती देईल अशा रीतीने अहरून व त्याचे पुत्र हा अहरून और उसके पुत्र एलियाजर उसमें आप भी आज आप क्या करोगे तुम्ही लोक काय कराल ऐसा लोकांसाठी माझे आशीर्वाद मागून घेतील हा मेरा नाम रखकर जब तुम उन पर रखोगे तो मैं उन्हें दिया करूँ आणि जेव्हा माझं नाव तुम्ही त्याच्यावरती ठेवलं तर मी त्या लोकांना देईल व आशिष हुए आणि ती लोक आशीर्वादित होतील और आशिष का कारण हुए आणि आशीर्वादाचं कारण वैसे आप लोग भी तसंच आशिषित हुए तुम्ही सुद्धा आशीर्वाद झाला लोक आशिष देणे मध्ये आणि तुम्ही सुद्धा दुसऱ्यांना आशीर्वाद देणारे का कारण आशीर्वादाचं कारण बनाल हालेलुया हालेलुया तो करेंगे प्रार्थना आणि करूया प्रार्थना खडे हो जाएंगे यावर सर्वजण उभे राहू।
पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु संजय धोत्रे कुटुंब के लिए, प्रभाकर साढ़वे कुटुंब के लिए, प्रभु पवित्र पिता जॉयल क्षेत्र फैमिली के लिए प्रभु, उसी रीति से मेरे महान पवित्र पिता प्रथमेश बोर्डे कुटुंब के लिए, पवित्र पिता मंगेश पवार फैमिली के लिए, दिनेश गायकवाड़ फैमिली के लिए प्रभु हम आपके चरणों तले लाते। इन छह फैमिली का पिता परमेश्वर को है, इन्हें लेवी गोत्र में चुना है और आज 11वें दिन में प्रभु इनको चुना है। इसका मतलब प्रभु इनके फैमिलीज में बहुत सारी गड़बड़ीज है जो उतर उतर कर आई, लेकिन आज इनके फैमिली से सारी गड़बड़ी निकल जाएगी। सारी गड़बड़ी जो इन्हें फैमिली में अस्वस्थता निराश हताशपन लाता है, दुखी कष्टी करता है, आज इनकी सारी जिंदगी से दूर होगा। और परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है, और शांति का परमेश्वर शीघ्र ही इन्हें शैतान को अपने पाँव के तले नीचे कुचलवाने के लिए मदद करेगा। और आज से यही ब्लेसिंग मैं यीशु के नाम से 11वें दिन के प्रभु इन पांचों छह फैमिलीज के ऊपर रखकर साथ साथ प्रभु इस जो चेन में जो खड़े हैं इन फैमिलीज को इन्हें भी वही अथॉरिटी तुमने दिए हो। इसलिए तो बहुत से लोग रोज आते हैं लेकिन वो सभी नहीं आए, लेकिन इन्हें तुमने चुना है। इसलिए प्रभु इनकी फैमिली बनी रहेगी और इनकी भी फैमिली में जो गड़बड़ी करता है वो इस आज इसी समय से निकलेगी। इसलिए सबसे पहले चेन में जो है उन्हीं लोगों के लिए प्रेयर करती हूँ, इनके फैमिली से सारी गड़बड़ी को दूर करती हूँ, सारी गड़बड़ी की स्पिरिट को मैं यीशु के नाम से निकल जाने की आज्ञा देती हूँ और शांति मसीह की शांति में घोषित करती हूँ। और प्रभु पवित्र पिता इनकी फैमिली सदा बनी रहेगी, इनका फैमिली बनी रहेगी और याजक की नाई बनी रहेगी और ये और इनके बच्चे और उनका वंश सदा नित्य सेवा करता रहेगा और प्रभु लोगों को यीशु के पास लाने वाले रहेंगे। धन्यवाद देते मेरे मन पवित्र पिता आपके पंखों में सुरक्षित रखना। हम प्रार्थना करते प्रभु सबसे पहले संजय धोत्री फैमिली के लिए, इन्हें हम यीशु के नाम से प्रभु आशीषित करते। आपका सर्व सामग्री लहू भाई संजय के ऊपर, गणेश के ऊपर और कार्तिक के ऊपर लगाकर करण के ऊपर लगाकर यीशु के नाम से मेरे मन पवित्र पिता प्रभु आपका लहू लगाकर आशीषित कर दे। और मेरे मन पवित्र पिता जैसे यहाँ प्रभु पवित्र पिता संजय धोत्री के बेटी के ऊपर रखा है तो प्रभु जैसे ये आप पर विश्वास करता है और आपने इसे एलीएजर के जैसा चुना है तो प्रभु इसके पिता को हारून के जैसा चुना है, तो प्रभु इसके पिता को हारून के समान कर। यीशु के नाम से मैं मानती हूँ अगर ये एलीएजर है तो फिर इसके पिताजी हारून है और इसका भाई भी एतिमार के समान बनने के लिए मिलेगा, नादाब और अबीहू के समान कभी ना होने पाए जो नहीं मिला। इसलिए मैं यीशु के नाम से प्रभु प्रार्थना करती हूँ कि एलीएजर के समान बनकर अपने पिता को हारून के समान बनाने के लिए मध्यस्थी करने के लिए सहायता कर। आज मैं यीशु के नाम से इसके ऊपर मध्यस्थी का जोर रखती हूँ, इसको रातन दिन प्रार्थना करने के लिए मदद करना। पवित्र पिता इसे आशीषित करते, इसके पिताजी के लिए प्रार्थना करते। संजय धोत्रे हारून के जैसा प्रभु के पीछे चलने वाला, यीशु पर विश्वास करने वाला, यीशु को प्रथम स्थान मानकर यीशु मेरा प्रभु है बोलकर चलने वाला ऐसा होने के लिए प्रार्थना करते। प्रभु संजय धोत्रे के ऊपर, संजय धोत्रे से गणेश के ऊपर सेम स्पिरिट है जो संजय धोत्रे में है वही गणेश में है, जो उनकी जाति जाति का स्पिरिट उतरा है वो आज मैं यीशु नासरी के नाम से उन दोनों के ऊपर से तोड़कर साथ में प्रभु पवित्र पिता उनका बेटा प्रभु पवित्र सेनाधीश पिता करण के ऊपर से और प्रभु शांता और मेरे पवित्र पिता पूजा के ऊपर से तोड़ देते। इस फैमिली को उतरा हुआ सारा शाप, सारे बंधन यीशु के नाम से तोड़ते और पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अधिकार घोषित करते और आपके सर्व सामर्थ्य लहू तले लाते और यीशु के नाम से पवित्र पिता उन दोनों को प्रभु संजय धोत्रे को और गणेश को यीशु का जन्म बनने के लिए, परमेश्वर का जन्म बनने के लिए प्रार्थना करते। लेवी वंश में मैं डिक्लेयर करती हूँ सारे बंधन सारे श्राप तोड़कर मुक्त करकर मसीह के पीछे चलने वाला, क्रूस उठाकर चलने वाला और यीशु के लिए जीने वाला बनने के लिए प्रार्थना करते। प्रभु सारी बुराइयों का नाश करते और प्रभु सत्य से कमर कसकर मसीह के सारे हथियार धारण कर आपके पीछे चलने वाला बनने के लिए प्रार्थना करते। आपके पंख भी सुरक्षित रखना, इस फैमिली को हम आशीषित करते हैं। ये प्रभु दूसरे फैमिलीज को यीशु के पास लाने वाले बनने वाले मदद करना। सेनाधीश परमेश्वर आपका सर्व सामर्थ्य लहू प्रभु यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र पिता प्रभु शांता के ऊपर पूजा के ऊपर लगाकर प्रभु आपका लहू लगाते प्रभु आंखों की पुत्री के समान इस कुटुंब को संभाल लेना, दुष्ट से बचाए रखना, सदानंद रहने के लिए मदद करना। और आज प्रभु अब्राहम की सारी आशीष यीशु मसीह में इन्हें मिले क्योंकि यीशु इनके लिए श्रापित हुआ, यीशु की आशीष और अब्राहम की सारी आशीष यीशु में इन्हें मिले।
ये मैं डिक्लेयर करती हूँ और प्रभु पवित्र पिता आपके पीछे चलने के लिए प्रार्थना करती हूँ। इनके विश्वास रूपी जहाज में आज जो कोई नहीं बैठा हुआ वो भी बैठने के लिए प्रार्थना करती हूँ। सुधी लेना, रक्षा करना और प्रभु ये कम नहीं बहुगुणित होने के लिए मदद करना। आज ये तीन बैठे प्रभु इनके कोई भी सारे सदस्य में मिलने के लिए मदद करना। और ये जिस भेड़शाला में, यीशु की भेड़शाला में, सियोन की भेड़शाला में, इस भेड़शाला में इसके कोई भी लोग भी आकर मिलकर रहने के लिए, जैसे उन 99 भेड़ों में एक कोई भी भेड़ को मिला दिया और वो मिलकर रहे, वैसे ही वो भी मिलकर रहने के लिए सहायता करना। ये हमारी विनती, हमारी प्रार्थना है। बारंबार भटकने नहीं देना, उनकी भटकने की आदत दूर कर देना। इस जाति पर, इस जिस वंश, जिस जाति से वो आई, उस जाति पर उतरा हुआ श्राप में जो जू है वो सारा इनके ऊपर से तोड़ कर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अधिकार घोषित करते हुए उस सारे भटकने वाला भगोड़े की स्पिरिट से इन सबको मुक्त कर दे और यीशु के नाम से स्थिर होने के लिए प्रार्थना। तो इनका पिता परमेश्वर, इनकी ढाल, इनका कवच, इनका प्रभु, इनका स्वामी, इनको आपके पंखों में सुरक्षित रखें। धन्यवाद देते मेरे महान पवित्र, इन्हें आशीषित करते और ये आज से दूसरों को आशीषित करें। धन्यवाद देते और आज से इनका फैमिली बनेगी, क्योंकि तू इनका कुम्हार पिता है और ये तेरी बेटी है, तेरी फैमिली है। आज हम तेरे छेदे में हाथ में देते, धन्यवाद देते मेरे पहले पिता, प्रभु यीशु के नाम से मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता आपके हाथों में देते। धन्यवाद पिता, आप महान हो, दयालु हो, कृपालु हो, क्षमालु हो। धन्यवाद देते प्रभु पवित्र पिता यीशु के नाम से पिता, हम प्रार्थना करते प्रभु डॉक्टर फैमिली के ऊपर, प्रभु यीशु का लहू उनके ऊपर लगाकर एलियाजर के समान प्रभु आपने उनको चुना है और एलियाजर बनकर प्रभु आपकी नित्य सेवा करने के लिए मदद करें। उनके द्वारा बहुत लोगों का प्रभु शरीर में तो चंगाई मिली है, बहुत लोगों को उद्धार का कारण मिल गया है। ऐसे ही नित्य प्रभु सेवा में लगे रहने के लिए मदद करें। इन्हें हम यीशु के नाम से आशीषित करते प्रभु, उनको उनका बेटा पिनहास प्रभु वैसे ही प्रभु जैसे पिनहास के कारण प्रभु उनका वंश बना रहा और उनका वंश नित्य सेवा में लगे रहे, वैसे ही मेरे महान पवित्र पिता प्रभु जॉन भी वैसे ही बने रहने के लिए मदद करना। आपके पंख में प्रभु सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें आशीषित करते इस फैमिली को प्रभु यीशु के नाम से, मेरे राजा, मेरे मान को भी प्रभु आपका सर्व सामर्थ्य बहु यीशु के नाम से जिनके ऊपर लगा कर पवित्र पिता प्रभु, जैसे आपका वचन कहता है ना, जो यहोवा का भय मानता है वो पुरुष हर कामों में सफल होगा और उसकी पत्नी सुंदर दाखलता के समान बढ़ते जाएगी और उनके बच्चे जैतून पौधे के समान इनके मेज के चारपाई में हमेशा लगे रहेंगे। तो प्रभु वैसे ही होने के लिए सहायता करना। इनके फैमिली में प्रभु पवित्र पिता सनी भी है और सुचिता है और प्रभु उस फैमिली को भी हम आशीषित करते हैं। धन्यवाद देते मेरे मान भाई प्रभु, ये देवी गोत्र में, देवी वंश में चुने गए वंश प्रभु जो तू उन्हें संभालता है, इसलिए प्रभु इनके ऊपर उतरा हुआ सारा पीढ़ी पीढ़ी का श्राप यीशु के नाम से तोड़ कर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अधिकार घोषित करते और आपके लहू तले लाते। इनकी फैमिली सदा बनी रहेगी और आपके राज्य से ये कभी बाहर नहीं होगा। इनका वंश बना रहेगा और इनका वंश भी नित्य सेवा में लगा रहेगा। हम इन्हें यीशु के नाम से आशीषित और आपके पंख में सदा सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना। इनकी ढाल, इनका कवच यीशु मसीह के लिए श्रापित हुआ कि यीशु की आशीष इन्हें मिले और अब्राहम की सारी आशीष प्रभु यीशु मसीह ने इन पर डिक्लेयर करना और आपके सर्व सामर्थ्य लोग प्रभु यीशु पवित्र पिता गड़बड़ी जो है वो सारी यीशु मसीह की फैमिली में किसी की भी फैमिली में नहीं देती। तो पवित्र पिता कुछ शांति का परमेश्वर, इस फैमिली में गड़बड़ी करने वाली स्प्रिट को हम यीशु के नाम से निकाल देते और यीशु के नाम से शांति और वो अथॉरिटी देते कि शीघ्र ही शैतान इनके पाँव के नीचे गिर जाए यीशु के नाम से। तुम्हें वो अथॉरिटी दी है, जब तुमने इनको ब्लेसिंग करने का तो अथॉरिटी दिया है तो पुरुष को डांटने का भी अधिकार दिया। धन्यवाद देते प्रभु, पूरी फैमिली को हम आशीषित करें, तो बनी रहेगी तेरे राज्य में, बनी रहेगी। और जैसे कनान देश में एलियाजर गया, एलियाजर कनान देश गया, वहाँ रहा भी और पिनहास को भी लेकर गया, वैसे ही मेरे मान पवित्र पिता ये भी प्रभु कनान देश यानी उनके स्वर्ग देश में जाएंगे और वहीं पर रहेंगे। वैसे ही प्रभु पवित्र पिता सेनाधीश परमेश्वर करण फैमिली भी प्रभु अपने देश जो उनके लिए बनाया है वहाँ पर जाएगी और रहेगी। धन्यवाद देते प्रभु, ये सबसे बड़ा ब्लेसिंग इनके ऊपर, इसमें से कोई भी प्रभु नाश नहीं।
एलियाजर की फैमिली सुरक्षित थी और मसीह के पास थी, वैसे ही प्रभु इनकी भी फैमिली सुरक्षित है, आज के बाद कोई हानि इनकी न हो, ये वचन इनके ऊपर रखकर इन्हें आशीषित प्रभु धन्यवाद देते हैं। दूसरी दी से तेरे मान पवित्र पिता जॉय फैमिली के लिए प्रार्थना करते तेरे हाथों में देते हैं यीशु के नाम से, मेरे मान पवित्र पिता आपका सर्व सहमति हो यीशु के नाम से प्रभु शीतल के ऊपर भी लगाकर इस फैमिली को आशीषित करते हैं। पवित्र पिता को कुटुंब वसीले परमेश्वर को कुटुंब बनाता है, आयसे हमें लिखा है कि हमारा पिता कुम्हार है और हम तो मिट्टी हैं उसके हाथों में, तो प्रभु जॉय की फैमिली बनाने वाला पिता परमेश्वर तो इस फैमिली को बनाएगा और आज से तो बनाने के लिए लिया है। धन्यवाद देते आप युवाओं को में सुरक्षित रखना, जो घटी इस कुटुंब में है वो घटी हर एक घटी बोली जाए, आपका वचन कहता है हर घाटी भर दी जाए, तो यीशु के नाम से पवित्र पिता इनकी हर घाटी भर दी जाए ताकि समान हो जाए। धन्यवाद देते पिता आपके पंख में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके लिए कोई बात कठिन नहीं है, यीशु के नाम से मेरे मन पवित्र पिता जो तेरे कुटुंब को हमारे उसे जोड़ने वाला पिता देवदास के लिए प्रार्थना करते हैं, उसे लाएगा और यही पर उसने आएगा और वही यही पर वस्तु उसको स्थायी करेगा। यीशु के नाम से हम तुझे आज्ञा देते देवदास, बदल सारी बुराई दूर कर, कपट भंग दूर कर, यीशु के नाम से तुझे आज्ञा देते। और प्रभु हर पुरुष अपनी पत्नी से प्यार करता है और अपनी पत्नी के पास आता है, अपने पत्नी को लेने के लिए आता है, आज प्रभु यीशु तू इतना महान परमेश्वर होकर भी तू कलीसिया को लेने के लिए और अपने पास अपने साथ लेते हैं, और जबकि आज हम तेरे से दूर भी है तो भी दूर नहीं, हम निकट ही है, तो हमारे साथ सदा रहते हैं, तो वैसे ही प्रभु यही सेम देवदास होने के लिए सारा अहंकार मैं पर यीशु के नाम से उसके अंदर से निकाल दे, पश्चाताप होने के लिए और आपके सर्व सामर्थ्य लोग कुटुंब हम यीशु के नाम से आशीष यीशु के नाम से डिक्लेयर करते हैं, रॉयल फैमिली पूरी बनेगी अपूर्ण नहीं रहेगी, यीशु के नाम से डिक्लेयर करते हैं, धन्यवाद पूरी बनकर परमेश्वर की महिमा यही रहेगी। धन्यवाद देते पवित्र पिता प्रथमेश बोर्डे कुटुंब के लिए प्रार्थना करते, प्रथमेश बोर्डे के फैमिली के ऊपर प्रार्थना करते, यीशु के नाम से मेरे मान पवित्र पिता आपका सर्व सामर्थी लहू प्रभु यीशु के नाम से लगा कर प्रभु पवित्र पिता हम शालों के ऊपर भी और दिगंबर भाई की फैमिली के ऊपर भी पूजा के ऊपर भी और पवित्र पिता साक्षी के ऊपर भी यीशु का लहू लगा कर पवित्र पिता आशीषित करते और पवित्र पिता यीशु के नाम से मेरे मान पवित्र पिता जॉय फैमिली के ऊपर उतरा हुआ पूरी का सारा श्राप यीशु के नाम से तोड़ दिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का विचार घोषित कर यीशु मसीह के लिए श्रापित हुआ कि यीशु की आशीष मिले और अब्राहम की सारी आशीष यीशु मसीह में इनको डिक्लेयर करते हैं। उसी रीति से प्रभु प्रथमेश बोर्डे फैमिली के ऊपर भी उतरा हुआ सारा श्राप जो पूर्वजों से उतरा है वो सारा यीशु के नाम से तोड़ कर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अधिकार घोषित कर आशीषित करते और आपके सर्व सामर्थ्य लोग चलेगा आज एक कवचित हुई मात्र पवित्र पिता आपके पंखों में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करते पवित्र पिता इस पूरी फैमिली को आपके हाथ में देते प्रथम इस बोले के लिए सबसे पहले प्रार्थना करते एलियाजर के समान प्रभु बनने के लिए आपके पीछे सेवा करने वाला आपको दिल की गहराई से प्यार करने वाला होने के लिए मदद कर नीति आपके सानिध्य में रहने के लिए और अपने बच्चों को भी आपके सामने बनाकर रहने के लिए सेवा टहल करने वाला बनाने के लिए मदद कर इसलिए यीशु के नाम से प्रथम इस बोर्डे पर उतरे हुए सारे श्राप सारे बंधन यीशु के नाम से तोड़ते सारी वीडियो को यीशु के नाम से तोड़ते प्रथम इस बोर्डे यीशु के नाम से यीशु के पास आ हम तुझे आज्ञा देते और यीशु को प्यार पूरे मन से पूरी बुद्धि से पूरी शक्ति से यीशु के नाम से आपका लहू लगाते प्रभु और प्रथमेश बोले एलियाजर के समान बनने के लिए प्रार्थना करते पवित्र पिता शादा नहीं के लिए और प्रभु बच्चों के लिए प्रार्थना करते उनके कुटुंब के एक एक सदस्य के लिए प्रार्थना आपकी बताओ इस कुटुंब पर प्रभु अब्राहम की सारी आशीष जो यीशु मसीह में वो डिक्लेयर करते आपका लहू लगाते और ये आशीषित है और दूसरों को आशीष का कारण है आपका सर्व सामर्थ्य लहू लगाता कुटुंब के चारों बाजू में दूतों का पहनना और आपके अग्नि का लहू का धन्यवाद देते पवित्र पिता हम मंगेश पवार कुटुंब के लिए प्रार्थना करते प्रभु आपका सर्व सामर्थ्य लोगे यीशु के नाम से पवित्र पिता भाऊ भाई मंगेश पवार के लिए प्रार्थना करते प्रभु तू या कुटुंब का मालक चालक अधिकारी हुए तू
यांना निवडलेले एलिया जरा सारखा महायाजकीय सेवा करण्यासाठी सदैव तत्पर असण्यासाठी तुझ्या पुढे चालण्यासाठी आणि आपल्या मुलाला प्रभू पिनासा सारखं बनवण्यासाठी तू सहायता करते. त्यासाठी प्रभू सर्व देवाचं शिक्षण त्याने त्यांच्या मुलाला ठेवण्यासाठी सहायता करतो. त्यांची पत्नी एक सुंदर दाखवते समान होण्यासाठी आणि पवित्र पिता बहुगुणित होण्यासाठी मांडण्यासाठी सहायता करतो. त्या कुटुंबाला मी तुझ्या नावाने आशीर्वादित करतो. त्या कुटुंबाचा देव तू आहे. त्यांच्या पूर्वजांपासून उतरलेले सर्व श्राप सर्व बंधनं येशूच्या नावाने तोडून पिता पुत्र पवित्र आत्म्याचा अधिकार घोषित करून अब्रामाचा सर्व आशीर्वाद येशू ख्रिस्तामध्ये मी त्यांच्यावर ठेवले आणि यांना मी आशीर्वादित करते. आणि पवित्र पिता याजकासारखं सेवा करण्यासाठी आणि त्यांचं पूर्ण कुटुंब देवाच्या राज्यात म्हणून राहण्यासाठी प्रार्थना करू. त्या पूर्ण कुटुंबाचा देव धारक धारक होईल. धन्यवाद देते प्रभू. पवित्र पिता नित्य तुझी सेवा करण्यासाठी या कुटुंबाला मी येशूच्या नावाने आशीर्वादित करू आणि तुझ्या कृपेमध्ये सुरक्षित राहण्यासाठी प्रार्थना. धन्यवाद देते माझ्या तारका प्रभू. या कुटुंबाला मी तुझ्या सर्व सामर्थ्य रक्ताने प्रभू. आणि प्रभू जसं तू म्हणाल आहे ना की तुम्हाला किती वस्तूचे हानी नव्हती, यांची कोणत्याही गोष्टीची हानी नव्हती. पवार कुटुंबाची ना प्रथमेश गोडे फॅमिलीची ना प्रभू जॉयल पवित्र पिता चित्र या कुटुंबाची ना प्रभू प्रभाकर साळवे या कुटुंबाची आणि नाही प्रभू पवित्र पिता करण धोत्रे या कुटुंबाची कधीच नाही प्रभू. पवित्र पिता तू त्यांची भाग त्यांचं त्याच रीतीने प्रभू दिनेश गायकवाड या कुटुंबाला तुझ्या सर्व सामर्थ्य रक्ताखाली आणले. तुझं सर्व सामर्थ्य रक्ताखाली येशूच्या नावाने प्रभू त्यांच्यावर लावून प्रभू त्याला बुद्धिमान होण्यासाठी आणि एलियाजासारखा प्रभू सेवा करणारा एक चांगला याजक बनण्यासाठी प्रभू तू त्याला मदत कर. आपलं जीवन तुला वाहून देण्यासाठी त्याला कृपा कर. त्याला आशीर्वादित कर. मी माझी प्रार्थना आहे त्याच्या पूर्वजांपासून उतरलेले सर्व श्राप सर्व बंधनं येशू ख्रिस्ताच्या नावाने तोडते कर. पवित्र पिता येशू ख्रिस्ताच्या नावाने माझ्या ताणाऱ्या गोड पवित्र पिता या कुटुंबावर उतरलेले सर्व श्राप सर्व बंधनं तोडते आणि येशू ख्रिस्ताच्या नावाने प्रभू येशूचा आशीर्वाद मी घेतले. पवित्र पिता येशू ख्रिस्ताचा आशीर्वाद जो आता मला मिळाला तो येशू ख्रिस्तामध्ये यांना मिळण्यासाठी प्रार्थना करते. प्रभू पवित्र पिता या कुटुंबाच्या चारी बाजूला तुझ्या दुधांचा पेरा ठेव. तुझ्या अग्नीचा रक्ताचा पाडा बांधते. एलियाजरच्या आयुष्यामध्ये देव प्रथम तूच होता तसाच प्रभू गायकवाड या कुटुंबामध्ये पण प्रथम तू असून दे आणि त्यांच्या आयुष्यात कधी कोणता तर दुसरा येऊन देऊ नका. सदैव तूच राहणार आणि ते तुझ्याकडे पाहूनच आपलं आयुष्य पुढं चालवणार. पवित्र पिता दिनेश गायकवाड एक पिनासासारखा एक चांगला महायाजक जन्मास आणण्यासाठी तू मदत करतो. त्यासाठी ह्याला एलियाजर तू बनवतो. त्याला जास्त तुझी भक्ती करणारा जास्त तुला प्रेम करणारा पूर्ण हृदयाने पूर्ण मनाने पूर्ण जीवाने पूर्ण शक्तीने तुला प्रेम करणारा होण्यासाठी सहायता करते. त्याला खूप खूप आशीर्वाद करतो. धन्यवाद देते. या कुटुंबाच्या चारी बाजूला तुझ्या दुःखांचा पेरा ठेवते. कोणत्याही गोष्टीने कोई भी बात होती तरी हानी नव्हती हे वचन रखत प्रभू या कुटुंबाला आशीर्वादित करतो. तुझी विपुल दया आशीर्वाद या कुटुंबावर धन मान सन्मान आणि दीर्घायुष्य या कुटुंबाला तृप्त ठेवतो. आणि पवित्र पिता हे दिनेश गायकवाड आणि त्याचं कुटुंब नित्य तुझ्या चरणासमोर सदैव राहण्यासाठी सहाय्य करतो. येशूच्या नावाने प्रभू या कुटुंबाला आशीर्वाद देतो. त्याची फॅमिली बनवणारा तू यांच्यासाठी धन्यवाद देते. सर्व प्रभू पवित्र पिता या साई कुटुंबाला प्रभू तुझ्या सर्व धन्यवाद देते. माझ्या प्रभू जसं हॅरोन आणि प्रभू एलियाजरला प्रभू वस्त्र घातले आज यांनी पण प्रभू मसीहा घातलेले आहेत. मसीह को पहन लिया ये मसीह इनके द्वारा दिखने के लिए मदद करा. सत्य से इन्होंने कमर कसी प्रेम से कटिदा का सिद्ध कटिबंध इन्होंने अपने ऊपर बांध लिया है. इसलिए एक दूसरे के प्रति प्रेम से व्यवहार करने के लिए एक दूसरे के साथ रहकर रहने के लिए कभी एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाए. ये अपने फैमिली में अपने कुटुंब के एक एक सदस्य से बने रहें. अपने कुटुंब को ये कभी धोखा नहीं दे. अपने कुटुंब को छोड़कर कभी नहीं जाए. और इनमें से कोई मरेगा नहीं. इनकी कभी मृत्यु समय से पहले कभी न होगी. इन पर मैं आपका लहू लगाकर इन्हें अभिषिक्त करते. ये अभिषिक्त फैमिली है और जैसे आपका वचन कहता है मेरे अभिषिक्तों को मत छूना तो वैसे प्रभु आज के बाद इन्हें कोई भी नहीं छुएगा. तो इनकी ढाल इनका कवच इनका प्रभु इनका स्वामी इनका गदर ही है. आपका लहू लगाते गोडे कुटुंब के ऊपर सालवे कुटुंब के ऊपर प्रभु क्षेत्र कुटुंब के ऊपर प्रभु गोडे कुटुंब के ऊपर पवार कुटुंब के ऊपर गायकवाड़ कुटुंब के ऊपर प्रभु यीशु के नाम से आपकी आशीष रखते. आपकी आशीष इनके ऊपर रखते मुरली और तुम इनके हाथों में है प्रभु. पवित्र पिता ये लोगों को परमेश्वर के जन्म मनाने वाले लोग हैं.
परमेश्वर के भक्त ये लोग और दूसरों को भी भक्त बनाने के लिए धन्यवाद देते पिता आपका लहू इन सब पर लगाते इन्हें लेवियों की सारी आशीष डिक्लेयर करते इन्हें लेवी आजर की सारी आशीष डिक्लेयर करते यीशु के नाम से ये और इनका घराना बना रहेगा ये और इनका वंश बना रहेगा और ये सब कनान देश में जाएंगे यानी वाचा बांधे हुए देश में जहाँ यीशु ने कहा कि मैं जा रहा हूँ लेकिन मेरे पिता के घर में बहुत जगह है वहाँ जगह तैयार हो गई मैं तुम्हें आकर लेके जाऊँगा तो वहीं पर ये सभी जाने के लिए और वहाँ रहने वाले धन्यवाद देते पिता ऐसे जने प्रभु धन्यवाद देते पिता आपका लहू लगाते धन्यवाद देते इन सबको यीशु के नाम से आशीषित करो जो इन्हें कोसेगा वो आपको सजाएगा जो इन्हें आशीष देगा वो आशीष में भरेगा धन्यवाद सारा आदर सारी महिमा सारी प्रशंसा सारा गौरव आपको प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते अब पिता परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा हमारे साथ बनी रहे और हम सब कहे सियोन प्रेयर ट्रस्ट। इस संस्था को आप अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा और आर्थिक बातों के द्वारा भी मदद कर सकते हैं। इसका अकाउंट नंबर है 5472200048164। कैनरा बैंक वांगनी ब्रांच। आईएफसी कोड है कैपिटल CNRB00015476। धन्यवाद।